लाल सिंह चड्ढा को रिलीज़ होने में सिर्फ एक दिन का समय बचा है। ऐसे में आमिर खान की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। विवादों के बीच फिल्म रिलीज होने की वजह से आमिर खान नर्वस भी हैं। वो फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। टेंशन से आमिर खान की नींद तक उड़ गई है। जी हाँ, एक्टर ने खुद बताया है कि उनका कैसा हाल हो गया है। लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के दौरान मंगलवार को आमिर ने मीडिया संग बातचीत की। उन्होंने कई खुलासे किए। आमिर ने बताया कि वो अपनी फिल्म की वजह से पिछले 48 घंटों से सो भी नहीं पाए हैं। आमिर खान ने कहा कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, 48 घंटे हो गए हैं, मैं सोया नहीं हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग तेज़ गति में है, इसलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ या ऑनलाइन शतरंज खेलता हूँ। मैं अब 11 अगस्त के बाद से ही सो पाऊँगा। आमिर खान से जब पूछा गया कि 11 अगस्त को फिल्म रिलीज़ के बाद वो क्या करेंगे, एक्टर ने जवाब दिया, 11 अगस्त के बाद मैं आराम से सोऊंगा। मुझे लगता है मैं और अद्वैत तभी शांति से सो सकेंगे, और जब हम उठेंगे तो ऑडियंस हमें बताएगी कि उन्हें हमारी फिल्म पसंद आई या फिर नहीं। विवादों के बीच आमिर खान की फिल्म 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। फिल्म में आमिर के अपोजिट करीना कपूर खान लीड रोल में दिखेंगी। वहीं साउथ स्टार नागा चैतन्य और मोना सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं। मोना फिल्म में आमिर की माँ का रोल प्ले कर रही हैं। आमिर और करीना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से टकराने वाली है। अब देखते हैं दोनों बड़े स्टार्स में से किसकी फिल्म को कितना प्यार मिलता है।